नीमच में बीते दिनों लॉकडाउन के दौरान स्थानीय शोरूम चौराहे पर पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर के साथ हुई मारपीट के मामले में केंट थाने पर अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया है। वही मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचे एसपी व कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की है। इस मामले के बाद जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पीड़ित सब इंजीनियर ने विभाग के आरआई और एएसआई सोलंकी पर आरोप लगाए हैं। वही मामले में पुलिस द्वारा दोषी अधिकारियों को बचाने की बात भी सामने आई है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में अब तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ड्यूटी के दौरान अभद्रता या आवश्यक सेवा में जुटे वाहनों को रोकने के मामले में पुलिस के छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाही की गाज गिरी है। ऐसे में सरकारी अधिकारी पर पुलिस की बर्बरता नीमच जिले में सामने आई है, जहां पुलिस विभाग के आरआई व एकेएसआई पर पीड़ित अधिकारी ने आरोप लगाए हैं। लेकिन मामले में शहर की कोतवाली पुलिस ने अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जवाबदारी की इतिश्री कर ली। पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसके जरिए मारपीट में शामिल पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की पहचान हो सके। फिलहाल मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा ज्ञापन सौंप आरोपियों पर कार्रवाई की मांग जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक के समक्ष। ये बात सही है, 7 तारीख की घटना है और 7 तारीख को हमारे जो इंजीनियर्स जिला इंजीनियर्स फोरम हैं उनके सम्मानित सदस्य हैं और ये शासकीय सेवक हैं। आप देखो, एक तरफ पूरा प्रशासन और पूरे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं कोरोना राहत दल में कि कैसे भी करके इस महामारी से निपटा जाए, और एक तरफ आप देखें कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार से हरकत कर रहा है। एक आम आदमी की बात अगर हम छोड़ देते हैं तो एक शासकीय सेवक है, कोरोना बचाव दल में लगा हुआ है, उनके पास आईडी है, और उसके बाद में उनसे बिना पूछताछ किए जिस प्रकार से उनके साथ मारा पीटी गई, और ये नहीं कि एक या दो पुलिस वालों ने एक या दो डंडे मारे हैं, 8 से 10 जने जब वहाँ पे नगर सुरक्षा के भी थे और उसके अलावा पुलिस कर्मचारी थे, एसआई तक लेवल के आदमी थे, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इनके साथ जिस निर्दयतापूर्वक हरकत की गई है और मारा गया है, ये इसकी जिला इंजीनियर्स फोरम कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इस मामले में हमारे साथी के साथ जो घटना हुई है परसों कर्फ्यू के दौरान, कलेक्टर साहब से बात करने के लिए आए थे, पर अभी कलेक्टर साहब शायद कैंटोनमेंट एरिया में बिजी हैं, तो शाम को मुलाकात का उन्होंने बोला है। एसपी सर से भी बातचीत हुई थी, फ़ोन पे बातचीत हुई है दोनों से, दोनों ने आश्वासन दिया कि जो भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हम लोग देखते हैं आज शाम तक अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे से कुछ और आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। देखिए सर, पुलिस विभाग को कुछ करना होता तो आज 3 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ कर लेते। 7 तारीख की घटना, आज 10 तारीख हो रही है, अभी तक तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई उन कर्मचारियों के ऊपर। देखिए, इस मामले में हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात करना चाह रहे हैं, पर अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, जैसे ही होती है उसके बाद आपको बताएंगे। 7 तारीख को 10 बजे मेरे कार्यपालन नियंत्री एम एल माली साहब का फ़ोन आया था कि उन्होंने ये बोला कि मेरे पास कलेक्टर साहब का फ़ोन आया है कि गुप्ता नर्सिंग होम में कंटेनमेंट क्षेत्र है वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आया था, उसको बंद करने के लिए फ़ोन आया थी कि जल्दी रेस्ट हाउस डाक बंगले पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पीछे वहाँ पर कैंपस में स्टोर रूम है जहाँ पर जालियाँ रहती है, डंपर रहते हैं, बांस बल्ली सब रहता है और लेबर भी रहती है। बोले कि वहाँ पर तुरंत जल्दी पहुँचो, तो मैं जैसे ही मोटरसाइकिल बाइक को उठाया फटाफट वहाँ से जल्दी निकला, और इस दौरान जो है शोरूम चौराहे पर वहाँ पर पुलिस के द्वारा मुझे रोका गया, वहाँ पर आईडी कार्ड चेक किया गया और मैंने आईडी कार्ड जैसे ही दिखाने की कोशिश किया, मेरे गले में लगा हुआ आईडी कार्ड था वो कि डोरी से कहीं ना कहीं उलझ गया, वहीं उसी जगह गिर गया था टूट के कहीं ना कहीं। तो फिर मेरा जेब में जो पर्स था, पर्स को ऐसे ही जैसे निकाल रहा था कि पर्स में आईडी रखी हुई थी वो दिखाने के लिए, तो और वो ये निकाल रहा पर्स और डिक्की में, गाड़ी की डिक्की में भी जो आदेश था वो आदेश और दोनों दिखाने के लिए निकाल ही रहा। इतने में जो है पुलिस वालों ने मेरी कुछ भी नहीं सुनी। मैंने ये भी बताया कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों में बहुत ही अति आवश्यक काम जो संक्रमित क्षेत्र है उसको बंदी करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा करके मैंने बोला, फिर भी उन्होंने नहीं सुनी।
और मेरे ऊपर फिर फटाफट डंडे बरसाना चालू कर दिया धनाधन। जो हाथ पे ये 4 से 5 डंडे है और पीठ में 3-3 डंडे पीठ में है और कूल्हे पे 3-3 4-4 डंडे कूल्हे पे और जांग में 3-3 4-4 डंडे है। बेरहमी से पुलिस वालों ने मुझे पीटा गया था, जानवरों की तरफ पीटा गया था। ऐसा लग रहा था कि मुझे मार ही देंगे, मैं अभी बसने वाला नहीं, ऐसा मुझे अपने आप प्रतीत हो रहा था। ये इस तरह की वहाँ पर घटना मेरे साथ में घटी है और वहाँ से फिर मैं जैसे ही ऐसा लग रहा कि बचना मुश्किल है तो मैंने मोबाइल देखना चालू किया कि मैं मोबाइल लगाता हूँ। एसडीएम साहब वहीं से गाड़ी से जा रहे थे, सारा जिला प्रशासन जा रहा था, एसडीएम साहब एडीएम साहब और भी पुलिस वालों की गाड़ी थी वो भी जा रही थी। तो मैं उनको फ़ोन लगाने ही वाला, तो फ़ोन निकाला तो फ़ोन पे ये साइड में 2 डंडे पड़े, 2-3 डंडे, तो फ़ोन के भी चकनाचूर हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका फ़ोन नहीं लग पाया। तो फिर वहाँ से फिर मैंने अपने आप को बचाने के लिए निकल के मैं रेस्ट हाउस डाक बंगले तरफ चला गया। वहाँ पर मेरे एमएल माली साहब वहाँ पर खड़े थे, मैंने सारी जो भी मेरे साथ घटना घटी हो मैंने उनको जो घटना से अवगत कराया, तो उन्होंने मुझे बोले चल अपन चलते हैं वहाँ पर देखते हैं वापिस, ऐसा करके बोला। तो मैं वहाँ से वापिस लेके जो है वह शोरूम चौराहे पर गया, वहाँ पर RI साहब घुंगरवाल साहब वहाँ पर खड़े थे और एक कन्हैयालाल सोलंकी SI वहाँ पर खड़े। तो उन्होंने फिर हमारे सामने आए, हम जैसे गाड़ी से उतरे तो सामने आए और पूछा कि बोला कि सर आपके साथ बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत गलत हुआ है, बहुत आपको डंडे से मारा गया है, ऐसा करके उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना था सर, उसके लिए हम क्षमा मांगते, ऐसा करके उन्होंने बोला है RI साहब और SI ऐसा बोला है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम ही थी, उनकी ही टीम थी, RI घुंगरवाल साहब और ASI सोलंकी साहब की टीम थी, मैं मुझे ऐसा लग रहा था। और उन्होंने ये बोला है कि बोले सर अब ठीक है जो भी हो गया, ऐसा करके बोला था कि अभी आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा करके कह रहे थे।